एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही थी दिन के 2 बजे से, क्योंकि मैं आज जा रही थी घर, जिसके लिए मैं अपना थोड़ा सा सामान भी पैक कर रही थी और साथ ही साथ मुझे घर जाने से पहले कहीं और भी जाना था, जिसके लिए मैं हो गई थी थोड़ा सा लेट। तो मैं अभी फटाफट से तैयार हो गई थी। और इसके बाद मैंने उठा लिया अपना बैग और मैं निकल पड़ी घर की ओर। और मैं ये पहुंच गई थी बंदरोल सब्जी मंडी, और आप ये देख सकते हैं सनसेट ऊपर कितना अच्छा लग रहा था। तो ये थी सब्जी मंडी की जो बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, और ये वो लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे थे। इसके बाद मैं निकल गई थी घर की ओर अपनी बस पकड़ के। तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी वहां पर जहां पर हो रही थी पैराग्लाइडिंग, जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर पीछे था। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी घर, और घर से मुझे मेरी दी देख रहे थे। जैसे ही मैं पहुंच गई घर, और साथ में पीछे से मेरा भाई और पापा जी भी पहुंच गए। उसके बाद पापा जी ने मुझे अपना बैग थमा दिया, उनके पास था कुछ और सामान लाने के लिए, तो मैं उनका बैग लेकर निकल पड़ी घर की ओर। तो गाइस, मैं देख रही थी घर के सामने का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं था, जंगल में आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। तो गाइस, घर पहुंचते ही मुझे लग गई थी भूख और मैंने खा लिया एप्पल। मेरे भाई को हो रही थी ठंड और वो जला रहा था आग। तो अभी हम लोग बैठ गए थे बातें करने, और इसके बाद दीदी और पापा जी छिल रहे थे मटर डिनर के लिए। गाइस, आज हो गया है हमारा सिलेंडर ख़त्म, और ये अभी शाम रात का टाइम हो गया है, और हाँ ये भी आधा है ये वाला सिलेंडर, और अभी हम दोनों इसको उठा के ले जाएंगे अंदर। अंदर वाला सिलेंडर हो गया है खाली। हाँ था आधा, वही तभी हम उठाएंगे इसको आगे पीछे से। हल्का है, मतलब अगर भारी होता तो ये अकेला उठाता कंधे पे। अब जी ये अकेले उठाएगा अब। तो अभी मैं और मम्मी पी रहे थे सूर, जो कि होती है बहुत ज्यादा टेस्टी। तो गाइज, ऐसा लग रहा था जैसे हम चाय पी रहे हैं। इसका कलर बिल्कुल चाय की तरह था, लेकिन ये चाय नहीं सूर ही थी, जो भी है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मज़ा आ गया। और मुझे और मम्मी को देख के मेरा भाई भी आ गया, और पापा यहाँ पर थोड़े बिजी थे। और उसके बाद मैं लग गई थी पैकिंग करने, क्योंकि मेरी दी जा रहे हैं कल कहीं घूमने। तो उसने बोला कि भाई मेरे सामान पैक करके दे, वो जा रही है मतलब 5-6 दिन के लिए। तो उसने ले जाने थे अपने लिए कपड़े, तो वो बोल रही थी मुझे कौन से कपड़े डालूं, कैसे डालूं, तू मुझे पैकिंग करके दे जैसे मर्जी। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं उसकी पैकिंग कर रही थी। तो गाइस, अभी मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी, और उसके बाद खाना वगैरह भी उसके बाद मैंने खा लिया था, और उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ सोने। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही रहेगा, और मेरे इस छोटे से ब्लॉग को ढेर सारा प्यार करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।